करीबन 4:15 बजे की बात है, अपनी दुकान पे बैठा था यहीं पे इसी जगह, और एकदम एक आदमी आया और मेरे को पिस्टल दिखाई, उसके पीछे पिट्ठू बैग था, और आते ही पिस्तौल डाल दी और सीधा ऊपर आ गया गद्दी पे जूते लेके, बोला जितना भी कैश है सारे निकाल दो। तो मैं घबरा गया एकदम, क्योंकि पिस्टल हाथ में थी उसके, तो मैंने कि भैया कैश उसमें रखा है अपने आप, उसने दराज में से तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये थे वो उसने निकाल लिए और बैग में रख लिए। मैंने कि चलो काम हो गया, कैश ले गया, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला आपको सोने का जेवर और दो। तो मैं उस समय घबराया हुआ था ही, जो मेरे पास यहाँ इस दराज में डिब्बे रखे थे 3-4, मैंने वो उसको दे दिए। उसको लेने के बाद उन्होंने बोला जेवर और होंगे, मैंने कि जी और नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उससे कहने लग गया कि मैं वो जेवर नहीं है, यही है। सामान सारा रखा और सीधा पिस्तौल दिखाता हुआ गेट के बाहर चला गया। बाइक उसकी गली में खड़ी थी, इतनी देर में मैं बाहर गया, बाइक पे बैठ के फरार हो गए। मैंने हाथ के शोर मचा दिया, वो अकेला था जी, अकेला बंदा था। आते उसने सीधा पिस्तौल निकाल ली थी और कुछ भी निकाल, मतलब जो भी है कैश और वो सारा दे दिया। आभूषण कितने के होंगे? आभूषण तकरीबन 500-600 ग्राम आभूषण दे दी, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के। अच्छा, 25 से 30 लाख और 60-70 हज़ार रुपये कैश था जी। आपके सामने है जी, दिन दाड़े वारदात, एक लड़का आता है, रिवॉल्वर लगाता है और माल खोज के ले जाता है। पहले वो रैकी करके गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोशिश, जब इन्होंने शोर मचाया तो बाजार वालों ने कोशिश करी, पीछे पीछे भागे भी उसके, लेकिन वो ना उस बाइक का नंबर था ना वो हाथ पाया। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हम देख रहे हैं कहीं भी उसका गाड़ी का कोई नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस ने जो मदद करी, पुलिस को हमने मैसेज किया तो तुरंत यहाँ पे आ गई। हम पुलिस से, हमें कोई नहीं है, लेकिन हम कोशिश सब से ही आपसे गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग कोई पहचान सके तो उसमें मदद करें, ताकि आगे ऐसी कोई वारदात ना हो सके। करोड़ों का व्यापार होता है यहाँ पे, लेकिन लगता है कि सुरक्षा लिहाज से पुलिस जस्ट है जो प्रॉपर यहाँ रहनी चाहिए, उस चीज़ का तो रहना चाहिए जी। हम हर हमेशा ही, जब भी दिवाली या कोई त्यौहार होता है तो हम स्पेशल इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे यहाँ पे भी ज्वेलर्स की जब दुकानें हैं तो इस बाज़ार में और परले न्यू सराफा बाज़ार में, कि यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए। भेजते भी हैं लेकिन उन 2-4 दिनों में ही रहती है, जब हमें आगे रूटीन में नहीं रहती। खुलेआम वारदात हुई है, मेरे तो ये भी कहना है कि अभी तो अभी पुलिस प्रशासन द्वारा राइडर दी गई है मोटरसाइकिल, लेकिन आज तक एक भी राइडर हमने नहीं देखी कि कहाँ घूम रही है, कहाँ है, लेकिन आज तक नहीं पता। हम कई बार कह चुके हैं ये पूरा बाजार है, चलता बाजार, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर नहीं आती हुई प्रशासन का आदमी। अभी रोज बाजार बंद, बाजार बंद किया है पूरा हमारा, सराफा ज्वेलर्स बंद है, स्वर्णगार बंद है। जैसे ही हमें संज्ञान में आया, हमारी सभी टीमों ने विजिट किया है सीन ऑफ क्राइम को, और वी आर रजिस्टरिंग एन FIR इमिडिएटली, और जो भी इसमें उपयुक्त कार्रवाई होगी हम करेंगे। कुछ CCTV फुटेजेस आई हैं और वी आर वर्किंग ऑन दो CCTV फुटेजेस, तो हमारी जो CIA जो टीम्स हैं वो हमने इस पे लगा दी हैं और वेरी सून हम आपको रिजल्ट्स देंगे। क्या घटना है सर, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया? हमें शिकायत मिली है कि एक व्यापारी हैं, उनके उनके जो प्रतिष्ठान है उस पर ये व्यक्ति आया है और उसने ये लूट की है, अबाउट 70,000 रुपीज़ की और कुछ गोल्ड आइटम बता रहे हैं। तो अभी तक एक आदमी आया है CCTV फुटेजेस में, अगर कोई और भी होगा तो विल फाइंड आउट। एंड कितने की लूट है सर अभी तक जो इन्होंने रिपोर्ट किया? 70,000। कोई ज्वेलरी भी या कैश? कैसे ज्वेलरी का भी बता रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में ज्वेलरी भी है, तो वी आर रजिस्टरिंग एन FIR।